तो साइंटिस्ट ने टाइम स्केल डेवलप की। टाइम स्केल कैसे डेवलप की? इसमें दो चीज़ें स्टडी की, एक स्टडी की रॉक लेयर्स एंड सेकेंड फॉसिल्स। फॉसिल्स एंड कैसे स्टडी की रॉक लेयर्स एंड फॉसिल्स को कैसे पता चला कितने टाइम पुरानी है? रेडियो एक्टिव डेटिंग उन्होंने की उसकी, रेडियो एक्टिव डेटिंग। जियोलॉजिकल से टाइम स्केल में सबसे बड़ी यूनिट है ईयॉन। ईयॉन डिवाइड होता है एरा, फिर एक एरा में बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड में बहुत सारे इपॉक होते हैं, इपॉक। तो ईयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक। तो ईयॉन सबसे बड़ी यूनिट थी, एरा, पीरियड, इपॉक, ईपीई। ईयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, ईयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, ईयॉन, फिर एरा, एरा में पीरियड्स, पीरियड में इपॉक, ईयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक। आजकल टाइम स्केल में देखें तो पहले ईयॉन है, ईयॉन के अंदर है एरा, फिर ये एरा, एरा को ही यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, सीनोजोइक, मीसोजोइक एंड पैलियोजोइक एरा। तो ये एरा है, फिर यहाँ पे एरा में है पीरियड, पीरियड में है एपॉक, तो ईयॉन एरा, फिर एरा, एरा को बड़ा करके दिखाया गया। ये फेनरोजोइक एरा में तीन जोन है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो ये है सीनोजोइक, मीसोजोइक एंड पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया, एंड मीसोजोइक को यहाँ पे, एंड सीनोजोइक को यहाँ पे। फिर ये पीरियड्स में डिवाइडेड है, पीरियड्स एपॉक्स में डिवाइडेड है। एंड यहाँ पे अगर पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक में देखें तो यहाँ पे सिर्फ पीरियड है, यहाँ पे सब डिवीजन नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे पास में आ जाता है सीनोइक में, वैसे सब डिवीजन पीरियड भी है, एपॉक भी है। तो सब डिवीजन बढ़ जाता है जब हम अर्थ की हिस्ट्री के पास आते रहते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायवर्सिटी की पता चलती है कि अर्थ ओवर टाइम कितनी डायवर्सिटी थी अर्थ में, और पास्ट एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? हम फॉसिल्स को डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं कितने पुराना है, कार्बन डेटिंग करके, रेडियो डेटिंग करके। फिर अर्थ की हिस्ट्री से पता चलता है कितने कैटास्ट्रॉफिस आए हैं, कितने कैटास्ट्रॉफ्स आए हैं, जैसे आयरन एज, फिर सारा, फिर मास एक्सटिंक्शन। तो कैसे कंडीशन की अर्थ की चेंज हुई है जिसकी वजह से डायवर्सिटी ऑफ लाइफ अर्थ की इफेक्ट हुई है, तो ये सब भी पढ़ने में काम आते हैं। अर्थ की हिस्ट्री देखें, ये प्री कैम्ब्रियन है, ये प्री कैम्ब्रियन अर्थ की हिस्ट्री है। यहाँ पे ये प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन अर्थ की हिस्ट्री है। तो प्री कैम्ब्रियन ये 88 अर्थ की हिस्ट्री होती है प्री कैम्ब्रियन में, इसको हम नहीं पढ़ते। फिर इसके बाद आता है फेनरोजोइक, फेनरोजोइक में ये 12% हिस्ट्री है फेनरोजोइक। इसमें तीन सब डिवीजन है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो ये है पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो ये फेनरोजोइक पढ़ते हैं, प्री कैम्ब्रियन 88% अर्थ की हिस्ट्री है, इसे हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। प्री कैम्ब्रियन जो 88% होता है उसे नहीं पढ़ते, 12% पढ़ते हैं जो होता है फेनरोजोइक। फेनरोजोइक में तीन होते हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। पैलियोजोइक सबसे पुराना है, एशियंट लाइफ, एशियंट लाइफ 544 मिलियन ईयर्स एगो एंड टू 300 मिलियन ईयर्स एगो। फिर मीसोजोइक मतलब मिडिल लाइफ, पैलियोजोइक मतलब एशियंट लाइफ, मीसोजोइक मतलब मिडिल लाइफ होता है, 245 मिलियन ईयर्स टू 180 मिलियन ईयर्स एगो। फिर सीनोजोइक, सीनोजोइक मतलब रिजॉल्व लाइक 65 मिलियन ईयर्स एगो टू प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे। ये है हमारा सीनोजोइक, हम सीनोजोइक एरा में है। तो हम फेनरोजोइक ईयॉन के सीनोजोइक एरा में है एंड उसके क्वार्टनरी पीरियड के होलोसीन इपॉक में। तो हम फेनरोजोइक के सीनोजोइक एरा के क्वार्टनरी पीरियड के होलोसीन इपॉक में। तो अगर हम टाइम स्केल देखें तो ये हमारा प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन को हम नहीं पढ़ते, 88% लाइफ होती, लेकिन इसमें हमारे अर्लियर फॉसिल रिकॉर्ड प्री कैम्ब्रियन के टाइम के आए थे। और दूसरी चीज़ आई थी यहाँ पे, अर्लीस्ट शेल्ड एनिमल्स हमें देखे थे प्री कैम्ब्रियन में। दो चीज़ हुई थी, फॉसिल, अर्लीस्ट फॉसिल्स हमें प्री कैम्ब्रियन से मिले, अर्लीस्ट शेल्ड लाइफ हमें यहाँ से मिली। फिर अगर हम बात करें, फिर हमारा था फेनरोजोइक एरा, फेनरोजोइक में आता है पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। पैलियोजोइक में आता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूवियन, डेनोवियन, मिसिपियन, पेनिसिलवियन एंड परमियन। तो यहाँ पे इस पीरियड में पैलियोजोइक में हमें फर्स्ट फिश मिलती है, फिर फर्स्ट लैंड प्लांट मिलते हैं, फर्स्ट एम्फियन, एम्फीबियन मिलते हैं, मतलब जो दोनों पे रहते हैं लैंड प्लांट पे दोनों में। फिर पहले फिश मिली, फिर प्लांट मिले, फिर एम्फीबियन, फिर हमें फर्स्ट रेप्टाइल्स भी इसी पीरियड में मिले। फिर हमारा आता है मीसोजोइक, मीसोजोइक में आता है ट्रासिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। तो इसमें इसमें जो ट्रासिक पीरियड से पेंजिया ब्रोक होने लगी थी, यानी यहाँ पे डायनासोर स्टार्ट हो गए थे। जुरासिक पीरियड में बहुत सारे डायनासोर मिलते हैं, एंड क्रेटेशियस पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्शन हो गए, और इस टाइम रॉकी माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, जैसे रॉकी माउंटेन्स और जो पुराने पुराने माउंटेन्स टाइम फॉर्म हुए थे। फिर हमारा था सीनोजोइक एरा में टर्शियरी एज वेल एज क्वार्टनरी पीरियड होता है। टर्शियरी पीरियड होता है पैलियोजोइक एंड नियोजीन। पर पैलियोजीन में क्या होता है हमारा, पैलियोसीन, ईयोसीन, ऑलिगोसीन, एंड नियोजीन में होता है मियोसीन एंड प्लायोसीन, मियोसीन एंड प्लायोसीन।
तो इस टाइम क्या होता है, हिमालयस बने थे हमारे टर्शरी पीरियड के पहले जो एरा में, हिमालयस बने थे टर्शरी पीरियड में, हिमालयस बने थे, तो ये तब से अर्लीस्ट माउंटेन बोले जाते हैं। फिर क्वार्टनरी पीरियड में क्या हुआ हमारा, प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन एंड अभी है हॉलोसिन, तो प्लिस्टोसिन एंड हॉलोसिन। तो प्लिस्टोसिन एरा में हमारी आइस एज स्टार्ट हो गई थी प्लिस्टोसिन में, एंड तो हमें अर्लीस्ट ह्यूमन दिखते हैं प्लिस्टोसिन एरा में। तो इतने सालों तक ह्यूमन्स ही नहीं थे, अर्लीस्ट इतने सालों तक ह्यूमन्स नहीं थे, अर्लीस्ट अर्लीस्ट ह्यूमन मिलते हैं हमें प्लीस्टोसिन एरा में, इतने साल से कोई ह्यूमन्स नहीं थे प्लीस्टोसिन एरा में। तो सीनोजोइक में स्टार्ट हुए हैं, फ्रेंडोजोइक के सीनोजोइक एरा के प्लीस्टोसिन पीरियड में ह्यूमन स्टार्ट हुए हैं। तो हमने देखा प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन में देखा 88% अर्थ की हिस्ट्री है, तो 70 मिलियन ईयर्स बिफोर ये हुआ था। तो अर्थ पहले गैसियस थी, गैसियस में लिक्विड चेंज होना स्टार्ट हुए, मरीन गैसेज इन्वॉल्व हुए, मरीन गैसेज, मरीन से गैसेज निकलती थी। सॉफ्ट इनवर्टिबेट एनिमल्स मिलते हैं, इनवर्टिबेट्स एनिमल, जब वार्म सीज आई तो इनवर्टिबेट एनिमल्स आने लगे, बट लेकिन लैंड्स में कोई भी एनिमल्स है, तो पानी के अंदर तो इन्वर्टिबेट्स मिल रहे थे लेकिन लैंड में कोई भी एनिमल नहीं थे प्री कैम्ब्रियन एरा में। फर्स्ट फिश जो आती है हमारी फेनरोजोइक एरा में आती है। फिर फेनरोजोइक में तीन पीरियड है, पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। पैलियोजोइक में हमारा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरिनियन, डिनोवियन एंड कार्बोसिफेरस एंड परमियन। मीसोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। सीनोजोइक में टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। तो इस टाइप से डिवाइडेड है सीनोजोइक, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। सो पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा में एशियंट लाइफ होती है, एशियंट लाइफ। तो प्री कैम्ब्रियन फर्स्ट पीरियड था पैलियोजोइक एरा का, पैलियोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड था प्री कैम्ब्रियन। तो फर्स्ट पीरियड था ये पैलियोजोइक एरा का, यहाँ पे लाइफ बनने लगी, ओशन, ओशन स्टार्ट हो गई इस टाइम, ओशन स्टार्ट हो गई। तो कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पे वार्म एंड शैलो सीज आई, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कवर थे, तो कॉन्टिनेंट थे लेकिन वो वार्म एंड शैलो सीज से कवर थे। इस टाइम पर इन्वर्टिब्रेट्स हमने देखा उसमें प्री कैम्ब्रियन में भी था, इन्वर्टिब्रेट्स काफ़ी डोमिनेंट थे। फिश इमर्ज हुई पैलियोजोइक एरा में, एंड फिश ने, फिश के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस हमने देखा प्लांट्स आए, एंड इसको एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। जब पैलियोजोइक एरा खत्म हुए तो एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा आ गए, तो पानी और लैंड पे दोनों रहते थे। फिर यहाँ पे अर्ली प्लांट्स इसमें थे मॉसेस, फर्न्स, फर्न्स एंड कोन बियरिंग प्लांट्स। तो कोन जैसे प्लांट्स थे, मॉसेस, फर्न्स एंड कोन बियरिंग प्लांट, इस टाइप्स के प्लांट्स थे। एंड अर्ली फॉर्मिंग फॉरेस्ट भी, अर्ली फॉरेस्ट जो थे कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट भी इसी टाइम बनने लगे। तो जिससे कोल फॉर्म हुआ तो वो फॉरेस्ट कब बने, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा में बने। जिस फॉरेस्ट से कोल बने वो पैलियोजोइक एरा में बने। तो पैलियोजोइक एरा की बात करें तो पैलियोजोइक एरा में मच काफ़ी ज़्यादा लाइमस्टोन बना इस टाइम, लाइमस्टोन एंड फॉर द इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग पर्पस के लिए लाइमस्टोन पैलियोजोइक एरा में बना। एंड जो वेस्टर्न यूरोप एंड यू नो वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका में जो कोल डिपॉजिट देख लिया, अप्लाचियन माउंटेन, वेस्टर्न यूरोप में कैलिडोनियन माउंटेन्स है, जोलन माउंटेन्स है, तो वो इस टाइम बने पैलियोजोइक एरा में बनने स्टार्ट हुए यूएसए में एंड यूरोप में। फिर यहाँ पे वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, पहले वर्ल्ड कॉन्टिनेंट जो था हमारा पूरा, उसका नाम था रोडीनिया, रोडीनिया, रोडीनिया बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेकअप हुआ। तो रोडीनिया पूरा ब्रेकअप हो गया बहुत सारे पार्ट्स में, रोडीनिया ब्रेकअप हुआ, फिर से दोबारा जुना, फिर ये बना पेंजिया। तो रोडीनिया से पहले था पेंजिया, फिर सारे कॉन्टिनेंट एक साथ आ गए। एंड फिर इससे क्या हुआ, बहुत सारे, इससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ एंड ये मास एक्सटिंक्शन हुआ था जब रोडीनिया ब्रेक हुआ एंड पेंजिया एक साथ आया, तो क्लाइमेट चेंज हुआ क्योंकि जो जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहाँ आ गई एंड जो चीज़ यहाँ पे थी, तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ तो मास एक्सटिंक्शन हुआ। एंड अप्लाइशियन माउंटेन है यूएसए के, ये पैलियोजोइक एरा में, तो सी जो सी फेडरोजोइक के पैलियोजोइक के एरा में हमारे अप्लाइशियन माउंटेन बने, यूएसए के अप्लाइशियन माउंटेन्स बने। पैलियोजोइक के एंड में हमें फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन देखा, 90% जो मरीन एनिमल्स थे एंड 70% लैंड एनिमल। तो मरीन एनिमल 90% एंड 70% लैंड एनिमल सब वाइप्ड आउट हो गए थे। पॉसिबल रीजन क्या बताया जाते हैं मास एक्सटेंशन की, वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ऐश एंड डस्ट बहुत ज़्यादा निकल रहा था, लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, मरीन एनिमल 90% एंड 70% लैंड एनिमल कर गए। और कुछ बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया था, कूलर क्लाइमेट आ गया, कुछ बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था पैलियोजोइक एरा के एंड में, कुछ बोलते हैं कूलर क्लाइमेट हो गया था। तो फेनरोजोइक के पैलियोजोइक एरा में, फेनरोजोइक के सीनोजोइक के पैलियोजोइक एरा में, तो यहाँ पे सीनोजोइक था, मीसोजोइक था एंड क्या था यहाँ पे, तो ये पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक ही है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो फेनरोजोइक में था पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो यहाँ पे जो अर्ली फिश थी इनके जॉज नहीं होते थे, इनके जॉज नहीं होते थे एंड बोलते हैं कुछ शार्क, शार्क भी इस टाइम इवॉल्व हुई थी पैलियोजोइक एरा में, शार्क्स भी इवॉल्व हुई थी। एंड इस टाइम अर्ली लैंड प्लांट्स कौन से थे, मॉसेस एंड फर्न्स, ये अर्ली लैंड प्लांट्स थे उस टाइम, मॉसेस एंड फर्न्स अर्ली लैंड प्लांट्स थे। तो हमारा फेनरोजोइक में हमने पहले देखा प्री कैम्ब्रियन, पहले हमने देखा पैलियोजोइक, फेनरोजोइक के, फिर मीसोजोइक एंड देन सीनोजोइक।
अब पैलियोजोइक में खत्म हो गया हमारा, फिर पैलियोजोइक जब आया, फिर पैलियोजोइक क्या था, मीसोजोइक, मीसोजोइक मींस मिडिल लाइफ। इस टाइम क्या हुआ था, जो कॉन्टिनेंट थे जो ब्रेक कर गए थे, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ब्रेक कर गया था, वो डीरिया ब्रेक कर गया था, फिर से जुड़ जाता है, फिर से इस पेंजिया बन जाता है, पेंजिया बन जाता है एंड इसके मिडिल मिडिल ऑफ द सेरा, तो मीसोजोइक के मिडिल में ये पेंजिया फिर से ब्रेक कर जाता है, फिर से टूट जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो पहले तो इसमें पेंजिया जुड़ता है, इसके स्टार्टिंग में, इसके मिडिल में फिर से ब्रेक कर जाता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। एंड इस टाइम हमने देखा था पैलियोजोइक में हमें फिश बहुत ज़्यादा मिलते थे, एंड इस टाइम हमें रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा मिलते थे, रेप्टाइल्स, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, ड्रायर क्लाइमेट हो गया था, मीसोजोइक एरा में ड्राई क्लाइमेट हो गया था एंड स्किन, और जो रेप्टाइल्स उनकी जो स्किन्स होती है वो बॉडीली फ्लूड मेंटेन करती है, बॉडी में उनके फ्लूड्स होते हैं तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, और उनके एम्ब्रियोज होते हैं वो शेल्स के अंदर होते हैं तो वो भी सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए ड्राई क्लाइमेट हो रहा था मिडिल लाइफ में और इसलिए ये सारे रेप्टाइल्स सर्वाइव कर रहे थे। तो फिर मीसोजोइक एरा में, मीसोजोइक एरा में देखे तो हमारे हैं ट्रासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रिटेशियस पीरियड। तो डायनासोर इसी बहुत ही इसी एरा में रहते थे डायनासोर, ट्रासिक पीरियड में सबसे पहले स्टार्ट हुए, जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा डायनासोर थे, ट्रासिक पीरियड में डायनासोर थे वो छोटे छोटे डायनासोर थे, लेकिन जुरासिक पीरियड में बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर, सबसे ज्यादा डायनासोर जुरासिक पीरियड में मिले हैं, क्रिटेशियस पीरियड में ये डायनासोर खत्म होने लगे थे। फिर स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो बर्ड्स भी, तो हवाई अर्थ बर्ड्स भी उड़ रही हैं इस मीसोजोइक एरा के पीरियड में, स्मॉल एनिमल्स भी दिखने लगे, एनिमल्स क्या थे, ये जो मैमल्स थे, मैमल्स भी दिखने लगे, मैमल्स थे वार्म ब्लडेड, स्मॉल छोटे छोटे मैमल्स थे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे एंड इनके हेयर जैसे अभी बंदर के हेयर होते हैं पूरे बॉडी में वैसे ही हेयर होते थे, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वार्म ब्लडेड थे एंड हेयर्स थे बॉडी में, स्मॉल थे, तो इससे ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, कोल्ड से, पहले जो में कोल्ड था, कोल्ड से वार्म आ रहा था तभी ये सर्वाइव कर पाए क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल्स के ऐसे थे। एंड लेकिन क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर मर गए। इस टाइम मीसोजोइक एरा में हुआ था क्या हुआ था, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म और बहुत सारे प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स एंड लेकिन जिम्नोस्पर्म जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो पहले प्लांट बने थे, लेकिन फ्लावर्स वाले प्लांट नहीं बने थे मीसोजोइक एरा में, जैसे सीड वाले जैसे पाइन ट्रीज होते हैं ये सीड प्रोड्यूस करते हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट नहीं प्रोड्यूस करते, फ्लावरिंग प्लांट मीसोजोइक के एंड में स्टार्ट में हो गए थे। इसमें क्या होता है, 65 मिलियन ईयर्स अगो ये मीसोजोइक एरा खत्म हो गया था क्योंकि यहाँ पे एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था, बहुत सारे एनिमल्स एंड डायनासोर हमने देखा था, तीन पीरियड थे क्या थे, ट्रासिक जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड, बहुत ज़्यादा मास एक्सटिंक्शन हुआ था, बहुत सारे एनिमल मर गए थे, लोग बोलते हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि एस्ट्रॉयड अटैक किया था अर्थ पे जिसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन हुआ था 65 मिलियन ईयर्स ago, जिसमें सारे लैंड के डायनासोर्स एंड जो भी एनिमल्स थे प्लांट्स से सब मर गए थे। तो इसमें सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट स्टार्ट हुए थे मीसोजोइक एरा में एंड फिर बाद में इसकी एंड ऑफ दिस लाइफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी स्टार्ट हो गए थे मीसोजोइक एरा में। इसके आते इसके बाद आती है सीनोजोइक एरा, कुछ बोलते हैं कि या एस्ट्रॉयड या कॉमेट अर्थ पे टकराया था जिसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जब एस्ट्रॉयड करता है तो पूरा ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट आसपास अर्थ के अराउंड बन गई, स्मोक एंड डस्ट बन गई, जिसकी वजह से सनलाइट अर्थ पे नहीं पहुंच पाती, सनलाइट ही पहुंच पाई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए तो इससे प्लांट्स मरने लगे, प्लांट्स मरने लगे तो जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते थे वो मरने लगे, अब वो एनिमल्स जो इन एनिमल्स को खाते थे वो मरने लगे, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स मरे, बहुत सारा मास एक्सचेंज हुआ, लेकिन सारी लाइफ नहीं खत्म हुई, सारी लाइफ खत्म नहीं हुई, मीसोजोइक एरा में 65 मिलियन ईयर्स को मास एक्सटिंक्शन हुआ था, आज भी कुछ प्लांट्स हैं इनके डिसेंडेंट्स जो इस मास एक्सटिंक्शन में सर्वाइव करेंगे उनके डिसेंडेंट्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं मीसोजोइक एरा के डिसेंडेंट्स। तो सेंजोइक एरा आता है, सेंजोइक एरा ही अर्ली लाइफ, ये कब आता है, 65 मिलियन ईयर्स को मास एक्सटिंक्शन के बाद, यहाँ पे जो क्लाइमेट था वार्म एंड माइल्ड हो गया, क्लाइमेट वार्म एंड माइल्ड हो गया, तो यहाँ पे मरीन एनिमल जैसे व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स इवॉल्व हुई, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स इवॉल्व होने लगे इस टाइम, मरीन एनिमल मैमल्स बनने लगे तो वो अडेप्ट कर पा रहे थे इस काफ़ी डिफरेंट एनवायरनमेंट में, लैंड एयर सी हर जगह मैमल्स आने लगे, तो गैसेस इंक्रीज हो गई, ग्रासेस बढ़ी तो अब ग्रासेस बढ़ी तो गोट एंड इस टाइप की जो ग्रेजिंग एनिमल्स थे वो बढ़े, वो आराम से अब चढ़ सकते थे, ग्रासेस बढ़ी क्योंकि वार्म क्लाइमेट आ रहा था, ग्रासेस ये सब हुए, तो काफ़ी माउंटेन रेंजेस पे इस सीनोजोइक एरा में प्रोड्यूस हुई थी, जैसे रॉकीज इन यूएसए, तो अगर तो रहते हैं यहाँ पे है रॉकीज इन यूएसए एंड फिर हिमालयाज इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया है यहाँ पे हिमालय एंड यूरोप में आल्प्स इन यूरोप, यहाँ पे ये सब इस सीनोजोइक एरा में थे प्रोड्यूस हुए। तो सेंजोइक एरा में क्या हुआ कि अब यहाँ पे फिर से कूलर क्लाइमेट आया, तो ग्रोथ ऑफ माउंटेन्स उड़ने लगे, हमने देखा था एप्लेशियन रॉकीज एंड हिमालयस हुए, आल्प्स रॉकीज एंड हिमालयस,
ये माउंटेन्स टाइम आए सीनोजोइक एरा में, तो अब माउंटेन्स ऊपर भी उड़ने लगे, तो वो अब क्लाइमेट कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते थे जो ऊपर वाले क्लाइमेट थे। तो यहाँ पे हमने देखा था जो सीनोजोइक एरा है इसमें दो पीरियड है, क्वार्टीजरी एंड टर्शरी। क्वार्टीजरी सीनो क्वार्टरी पीरियड के यहाँ पे सीनोजोइक एरा में कार्टीजरी आइस एज आई, यहाँ पे इसी इसी क्वार्टरी पीरियड में आइस एज आई, तो क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हो गया था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे राइज इन क्लाइमेट चेंज होता था, कभी सी लेवल बढ़ता था, कभी सी लेवल कम होता था। इसकी वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं उन्होंने अडेप्ट कर लिया इस कंडीशन को, तो अडेप्ट करने लगे एनवायरमेंट को। एंड इस एरा को एज ऑफ मैमल्स भी बोलते हैं, तो सीनोजोइक एरा को हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, एंड हम मीसोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ डायनासोर। इसमें डायनासोर थे हमें देखो, ट्रास कौन से पीरियड थे, ट्रासिक जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। तो ऐसा बोलते हैं एज ऑफ डायनासोर, सीनोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। तो सीनोजोइक एरा में काफी मरीन एनिमल्स आने लगे, जैसे एल्गी एल्गी मॉलस्क मॉलस्क फिश मैमल्स, ये सारे मीसोजोइक एरा में। लैंड एनिमल्स आ गए जैसे बैट्स कैट्स डॉग कैटल ह्यूमन, ये सब डेवलप होने लगे, बैट्स कैट्स डॉग कैटल ह्यूमन। एंड तो ह्यूमन्स इस टाइम प्रोड्यूस हुए थे 33.5 मिलियन ईयर्स अगो, ह्यूमन प्रोड्यूस हुए क्वार्टरनरी पीरियड में। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज्यादा कॉमन थे, फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज्यादा कॉमन थे इस टाइम।